अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MH किचन्स। आज हम आपके साथ बीफ टोर्टिया रैप की रेसिपी शेयर करेंगे। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जूलियन में कटा हुआ बीफ लेंगे 1/2 kg। 1 tablespoon चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 teaspoon रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। 1 teaspoon गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 teaspoon जिंजर पाउडर ऐड कर देंगे। 1 teaspoon मस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 teaspoon ओरिगेनो ऐड कर देंगे। 1 teaspoon पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 teaspoon जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 tablespoon वाइट विनेगर ऐड कर देंगे। 2 tablespoon वॉस्टरशायर सॉस ऐड कर देंगे। 1 tablespoon हॉट सॉस ऐड कर देंगे। 1 tablespoon डार्क सोया सॉस ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1/2 cup पानी का डाल देंगे और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 25 मिनट के लिए पका लेंगे। 25 मिनट के बाद बीफ हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम इसमें 1/4 cup ऑयल का डाल के हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई करते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसके सेंटर में फॉइल रख के उस पर जलता हुआ चारकोल रख देंगे और उस पर चंद कतरे ऑयल के डाल के इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को रिमूव करके चारकोल को उठा लेंगे। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। 1/4 cup मायनीज में हम 1/4 cup थिक योगर्ट ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 2 tablespoon हम इसमें सराशा सॉस ऐड कर देंगे। 1/2 teaspoon हम पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 teaspoon हम गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 teaspoon हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1 tablespoon हम व्हाइट विनेगर ऐड कर देंगे। चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1/2 teaspoon। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 teaspoon। 1 teaspoon मस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी तैयार है। अब हम रैप तैयार कर लेंगे। टोर्टिया ब्रेड पे हम सॉस लगा लेंगे। सॉस लगाने के बाद अब हम इस पे कुक किया हुआ बीफ रख देंगे। कटी हुई बंद को भी डाल देंगे। अनियन स्लाइस डाल देंगे। टोमेटो स्लाइस डाल देंगे। हेलोपिनोस डाल देंगे। हेलोपिनोस डाल के हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे पेपर में रैप कर लेंगे। बीफ टोर्टिया रैप्स हमारे तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें।